सब्सक्राइब करिए भारत का बेस्ट बॉडी बिल्डिंग चैनल। तो मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। तो फ्रेंड्स, आज कुछ ऐसी खबरें आ रही है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हम लोग वक्त को जाया ना करते हुए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए भारत का बेस्ट बॉडी बिल्डिंग चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सिद्धांत जायसवाल के बारे में। और गाइस, सिद्धांत जायसवाल ने अभी जस्ट अपने इंस्टाग्राम के अंदर अपनी फिजिक अपडेट दी है हम सभी लोगों को, और वो हम लोगों को ये बताते हैं कि वो 220 पाउंड के हैं इस टाइम पे अपना ऑफ सीजन के अंदर उनका जो वेट है। और आप लोग सिद्धांत जायसवाल की फिजिक देख सकते हो, आप उनकी पोजिंग देख सकते हो। और गाइस, वो अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर ये भी लिखते हैं कि वो बहुत ही जल्द अपना नेक्स्ट शो बताने वाले कि वो किस शो के अंदर कम्पीट करने वाले हैं सिद्धांत जायसवाल। तो आप लोग गाइस मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको सिद्धांत जायसवाल की जो फिजिक अपडेट है आपको कैसी लगी, और आपको उनका जो ऑफ सीजन का जो शेप है उनका वो आपको कैसा लगा। और आप लोग ये भी बता सकते हो कि सिद्धांत जायसवाल कौन से शो के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्रिस बम्स्टेड के बारे में। और क्रिस बम्स्टेड की जो फिजिक अपडेट है आप लोग इस फोटो के अंदर देख सकते हो। तो क्रिस बम्स्टेड काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली जो है स्मॉल अपना लग रहे हैं, उनका ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर वर्जन लग रहा है। और ये स्पेशली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के अंदर मेंशन किया हुआ है कि वो इस टाइम पे जो उनका वेट है वो है 237 पाउंड्स, और इस टाइम के अंदर उनका ऑफ सीजन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं बिकॉज वो अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहते हैं। क्रिस बम्स्टेड की जो मिस्टर ओलंपिया की शेप थी वो ऑल ईयर राउंड मेंटेन नहीं करी जा सकती है, तो अपनी बॉडी को रेस्ट देना उतना ही जरूरी है जितना कि आप जब इतना ज़्यादा हाई लेवल पर ट्रेनिंग करते हो। उनका एक स्मॉलर वर्जन देख सकते हो क्रिस बम्स्टेड का, और उनका जो बॉडी फैट है इस टाइम पे वो भी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। वो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ शेप लग रहे हैं, आप विजिबली उनके सेपरेशन देख सकते हो क्वाड्स के अंदर, और एक रिलेटिवली लीन फिजिक देख सकते हो क्रिस बम्स्टेड पे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्रिस बम्स्टेड कैसा परफॉर्म करेंगे 2022 के मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक के अंदर, क्योंकि इस बारी जो कॉम्पिटिशन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, और अगली अपडेट के अंदर मैं बात करने वाला हूँ नितिन चंदीला के बारे में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि नितिन चंदीला 2022 का मिस्टर इंडिया खेलने के लिए गए हुए इस टाइम पे हैदराबाद में। तो बहुत से लोग आप लोग वेट कर रहे थे कि मैं उनकी अपडेट लेकर आऊँ, मैं उनके बारे में ओपिनियन दूँ और उनके बारे में कुछ अपडेट शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स हमको नहीं मिली है देखने को। तो फाइनली नितिन चंदीला ने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर अपनी फिजिक अपडेट के साथ साथ अपना स्टेटस बताया इस टाइम पे नितिन चंदीला का क्या वेट है और इस टाइम पे कब होने वाला है कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, जो कंपटीशन होगा नितिन चंदीला का वो होगा 8 जनवरी को, यानी कि उनको कंपटीशन कल होने वाला है। और आप लोग उनकी जो कंडीशनिंग है इस वीडियो के अंदर उनकी देख सकते हो। और गाइज, जैसे कि देख सकते हो कि बहुत सारे एथलीट्स इस टाइम पे अपना वेट चेक करवाने के लिए आए हुए थे, और उसी लाइन के अंदर नितिन चंदीला भी खड़े हुए थे। अब फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि कोविड का बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है आजकल, और इस टाइम पे इतने सारे लोगों को देखना, मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि ये लोग कैसे शो ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही उम्मीद करूँगा कि जितने भी एथलीट्स और जितने भी बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करने वाले हैं मिस्टर इंडिया 2022 के अंदर, सब लोग सेफ रहें, और जो कोविड का इस टाइम पे जो सीन चल रहा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट के अंदर बता सकते हो कि आपको नितिन चंदीला की फिजिक कैसी लग रही है, जैसे आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। और नितिन चंदीला ये भी बताते हैं कि जो उनका पानी है वो एकदम बंद हुआ हुआ है इस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हर अपडेट लेकर आया था इस बारी नितिन चंदीला की, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको उनकी फिजिक कैसी लग रही है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे जो उनकी फिजिक है इस टाइम पे फ्लैट लग रही है, जो कि ऑब्वियसली बात है कि वो इस टाइम पे फ्लैट लग रहे हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर कोई बॉडी बिल्डर फ्लैट लग रहा हो तो ये अच्छा इंडिकेशन होता है शो डे से पहले का। और जब वो कार्ब लोडिंग करेंगे नितिन चंदीला, तो उनकी मसल्स जो होंगी वो राउंड और 3D वाली मसल्स आ जाएंगी स्टेज पे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मिस्टर इंडिया 2022 के जितने भी अपडेट्स होंगे आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब करिए भारत का बेस्ट बॉडी बिल्डिंग चैनल। और फ्रेंड्स, जितने भी अपडेट्स होंगी मिस्टर इंडिया 2022 की और जितने भी हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं नेशनल इंटरनेशनल, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।